दोस्तों आज हमारे पास है 2022 मॉडल बजाज की पल्सर 150। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं बहुत ही कम समय में। सबसे पहले हम इसके प्राइस एंड वेरिएंट की बात कर लेते हैं। आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। पहला ये जो मॉडल है ये एसडी मॉडल है, इसकी आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 130,000। दूसरा आपको न्यूर मिल जाएगा जिसमें आपको सिंगल डिस्क मिलता है, उसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है 128,000। ये मैं आपको मुंबई का प्राइस बता रहा हूँ। तीसरा वेरिएंट है जो कि डुअल डिस्क के साथ में आता है, उसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है 139,000 रुपये। और अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो ये रहा इसका मिरर, ये रही इसकी हेडलाइट, आपको मिल जाती है हैलोजन, दो पायलट लैंप मिल जाएंगे जो कि आपको बल्ब मिलेंगे, इंडिकेटर भी आपको बल्ब मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल ये फ्रंट से कुछ ऐसे दिखेगी। ये रहा इसका मडगार्ड, कार्बन फाइबर फिनिश के टच के साथ में आने वाला है। और अभी हम सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाएगा, रियर में आपको मिलने वाला है डुअल शॉक एब्जॉर्बर। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। फ्रंट में आपको साइज मिल जाएगी 90x100 की, रियर में आपको मिल जाएगा 100x90 का। व्हील आपको मिल जाती है 17 इंच की, और साथ में आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाएगी, रियर में ड्रम, और आपको मिल जाता है सिंगल चैनल एबीएस। इंजन की बात करें, ये रहा इसका इंजन आपको 150 सीसी का दमदार इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको किक मिलने वाला है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर कूल FI, और साथ में आपको मिल जाता है 5 स्पीड गियरबॉक्स। ये रहा इसका टैंक, आपको पल्सर लिखा मिल जाएगा 3D में। यहां से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, साइलेंसर कवर। ये रहा सीट काउल का एरिया, और ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाले। टेल लाइट आपको LED मिल जाती है, इंडिकेटर बल्ब मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल ये रहा रियर का व्यू, आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। सीट काउल पे आपको 150 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, स्टीकर वर्क जैसे हमने उधर देखा था। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज फुटरेस्ट, चैन कवर, सस्पेंशन। और इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। ये रहा इसका गियर पैड, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं, पहला नीचे लगेगा बाकी के 4 ऊपर लगने वाले। साइड स्टैंड डुअल स्टैंड, और अभी आपको मिल जाता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। और ये रहा इसका इंजन का, और इंजन आपको डुअल हॉर्न मिलने वाले हैं। ये रहा इसका टैंक। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू, लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। सीट की बात करें तो आपको सिंगल सीट मिल जाती है जो कि काफी अच्छा कंफर्ट प्रदान करने वाली, ऐसा कुछ आपको ग्रेवियर मिल जाता है। फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा 15 लीटर का, जिसकी माइलेज आपको मिल जाएगी 45 टू 50 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। ये रहा इसका मीटर कंसोल, ऑन कर देता हूं, जिसमें आपको कूल से फीचर्स मिल जाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ये रहा इसका रेसिंग हैंडल बार, आपको नॉर्मल स्विचेस मिल जाते हैं जो आपको अदर बाइक में देखने को मिलती है। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको मिलने वाला 165 mm का, और इस बाइक का वेट आपको मिल जाएगा 150 kg। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये बाइक आप लोग कैसी लगी। इसमें आपको सिर्फ एक ही अपडेट देखने को मिलने वाला है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, जो कि पहले नहीं था, अभी अभी आया, और कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं।